हेलो एवरीवन, मैं आज आपको की वेस TGTW इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखी, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे वीडियो के थ्रू वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, तो हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन है आप लोगों को, बहुत सारा प्रॉब्लम है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कैसे TGTW की पोस्ट बाकी पोस्ट से अलग है, डिफरेंट है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है, स्पेशली इन केंद्रीय विद्यालय, एक्चुअली डब्ल्यू पोस्ट एज पर द रूल्स सारे स्कूल्स में होने चाहिए, बट इट इज़ ओनली इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन राइट नाउ। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, स्पेशली जो TGTW है, मतलब वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन या PhD कंप्यूटर साइंस, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो इनमें बीएड नहीं चाहिए होता क्वालिफिकेशन में। अगर क्वालिफिकेशन में बीएड नहीं चाहिए तो इसका मतलब टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में भी लोगों को जानकारी उतनी प्रॉपरली नहीं होगी ऑब्वियसली। तो ये पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं भी आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो मैंने इसमें पॉइंट वाइज इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वो आपको मैं अभी डिस्कस करता हूँ उस, तो मुझे लगता है इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। बाकी बाद में फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम टेकिंग फ्यू पॉइंट्स विच मे बी रेलिवेंट एंड हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव टेकन कि प्रिपेयर द डेटा, बायो डेटा प्रॉपरली। जो आपके इंटरव्यू लेटर के साथ बायो डेटा फॉर्म आया है, तो वो बायो डेटा जो फॉर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें स्पेशली जो पॉइंट दिया है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, टू द पोस्ट जो भी लिखा है, तो वो वाला आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। अगर वो अट्रैक्टिव है, वो कुछ नया है उसमें, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो उसमें क्या लिखें, आप लोग जनरली क्या करते हैं इन जनरल, कि मैं क्विक लर्नर हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हाँ टीम वर्कर हूँ, ये सब लिख देते हैं। तो ये सब बहुत जनरल सा टर्म हुआ, वेग हुआ, ठीक है, कोई पढ़ता है वो उसको समझ में आता है कि ये जनरल टर्म है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्राई टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पोस्ट, उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानकारी लीजिए, उसका काम होता क्या है, फिर आप अपने आप को रिलेट करिए कि आप उन कामों में कौन से काम अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होगी, तो आप लिख सकते हैं कि KVS में यूटिलाइज माई सर्विसेज इन टीचिंग मैथमेटिक्स अपार्ट फ्रॉम टीचिंग द वर्क एजुकेशन, ठीक है। कुछ लोग प्रोग्रामिंग वगैरह जिनकी अच्छी है, KVS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वो बहुत बेसिक होता है स्कूल लेवल पे, तो कोई भी पढ़ा सकता है उसको, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस पढ़ा सकते हैं, इवन बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके जो ह्यूमनिटीज के सब्जेक्ट हैं लाइक सोशल साइंस वगैरह, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं, नॉट पढ़ाते हैं। तो आपको ये स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिखना है। अगर आप एक्सेल वगैरह में अच्छे हैं, तो उसको मेंशन करना है कि आपकी कैसे वो, आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो सकती है, वो आपको मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, लिमिटेड यूज करने हैं, लेकिन वो इफेक्टिव होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप उसको ऑनेस्टली आपने लिखा है। आपने लिख दिया सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अब सेल्फ कॉन्फिडेंट वो कैसे जज करेगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो इतना बहुत ज़्यादा मतलब जनरल चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट है नो ऑल अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ TGTWE। सो TGTWE जो होता है, TGT वर्क एक्सपीरियंस, इसका जो रोल होता है, ये एक्चुअली तो TGT हो गया, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वर्क एजुकेशन, पहले इसको वर्क एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, अभी तो इसका नाम वर्क एक्सपीरियंस है। इसके तीन नाम थे, SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, फिर हो गया TGT वर्क एजुकेशन, फिर हो गया TGT वर्क एक्सपीरियंस। तो ये नाम अलग अलग जो अलग अलग कमीशन आए थे
उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी। अब इसका पढ़ लीजिएगा आप कैसे हुआ है। तो अलग अलग रिकमेंडेशन की वजह से इसका नाउमेनक्लेचर जो है चेंज हुआ है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आएगा। तो रोल्स आपका इसमें ये है कि यू हैव टू टीच द वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट। देर इज नो डिफाइंड सिलेबस, बट द पीपल हु आर कमिंग आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल और एंड इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, सो जनरली दे ऑल आर टीचिंग द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। बट आपको इसके पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, तो यू शुड नो द इंटरनेशनल लॉज। बिलो 14 ईयर्स यू कैन नॉट टीच एनी वन, यू कैन नॉट इंगेज एनी स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब 8th क्लास से पहले आप जो है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि वो भाई सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किसी की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब आप वहाँ पे जब डेमो देंगे तो कुछ भी पढ़ाते रहेंगे। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पढ़ाना है वर्क एजुकेशन, तो फोकस जनरली करना है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पे। ठीक है, रोल्स एक तो हो गए ये वर्क एजुकेशन पढ़ाना एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आजकल मैंने बताया कि सिलेबस नहीं है, बट अलग अलग रीजनल ऑफिस अपने हिसाब से उसको बना के डिलीवर कर रहे हैं सिलेबस। ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली रीजन में तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट किया था, बहुत सारे एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, नॉन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, इवन फोटोग्राफी वगैरह भी इंक्लूड किया है उसमें, कई जगहों पे अलग अलग दूसरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं जैसे कि ओरिगेमी वगैरह। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का है, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस फिक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्कूल का जो पीए सिस्टम होता है, प्यूक्स पीए सिस्टम, मतलब जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक वगैरह रहता है, एम्पलीफायर रहता है, स्पीकर रहता है, ये उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आपको अरेंज करवाना पड़ेगा असेंबली के लिए, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको ठीक करवाना होगा। स्कूल का मेंटेनेंस जो होता है वो उसके ऑब्जर्वेशन में होता है TGTW के लिए। लेकिन कन्फ्यूज मत होइए, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होती इसके पास। फाइनेंशियल पावर इज विद द प्रिंसिपल ओनली एंड यू आर मेयरली अ ऑब्जर्वर। ठीक है, यू आर अ टीचर, यू आर अ ऑब्जर्वर फॉर द स्कूल मेंटेनेंस। इसके अलावा बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे KVS में हाउस में एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, क्लस्टर लेवल पे एक्टिविटी होती हैं, रीजनल लेवल पे एक्टिविटी होती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं। तो कुछ भी रोल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है स्कूल में तो उसमें आपको कोई रोल मिल सकता है कि भाई ये अरेंज कराइए। हाँ, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्कूल में हैं तो वो सारे आपके थ्रू ही रिपेयर होते हैं। ठीक है, वो सारा आपको मॉनिटर करना होता है। ठीक है, चाहे वो लेबर का अरेंजमेंट हो, चाहे बिलिंग का प्रोसेस हो, वो सारा आपके थ्रू ही होता है। तो दीज ऑल आर द फ्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये रोल्स आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके इंटरेस्ट पे बहुत सारे हो सकते हैं। KVS प्रोवाइड्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स। हाँ, ये अलग बात है, ग्रोथ के लिए अभी कोई इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। नो द हिस्ट्री ऑफ TGTW पोस्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी हिस्ट्री में यही है कि इसका पहले नाम था SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क टीचर। ठीक है, SUPW टीचर, फिर हो गया TGT वर्क एजुकेशन, फिर हो गया TGT वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसके नाम रहे हैं, तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं, बट यू शुड एटलीस्ट नो द हिस्ट्री हाउ दिस पोस्ट ओरिजिनेटेड। पहले ये नवोदय में था, बाद में नवोदय ने शायद, आई एम नॉट श्योर, एबॉलिश कर दिया। अभी रिक्रूट तो नहीं कर रहे, पोस्ट उन्होंने एबॉलिश किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट दे आर नॉट रिक्रूटिंग नाउ। वो अब केवल और केवल KVS में ही बचा है, कहीं पे और बचा हो तो मुझे नहीं पता है, बट एज पर माई नॉलेज दिस इज ओनली लेफ्ट इन KVS। ओके, प्रिपेयर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक। बेसिक सारे जितने भी टॉपिक हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की, स्पेशली एवरीडे साइंस के हिसाब से। एवरीडे साइंस आप समझते होंगे, लाइट कैसे जलती है, फैन कैसे चलता है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, बेसिक।
अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत डीप में चले जाते हैं, रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, ये वो। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट टीचिंग एट एनी कॉलेज लेवल, यू आर टीचिंग एट स्कूल लेवल। तो द मेंटल स्टेटस, आई मीन उनका, बच्चों का इंटेलिजेंस कितना है, उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बीटेक की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, एमटेक की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट। तो आपको बिल्कुल बेसिक्स आना चाहिए, FET क्या है, VJT क्या है, हाँ, नॉर्मल बल्ब कैसे ग्लो होता है, क्योंकि बच्चे इतने बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन को ही बताने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है। आपने रेलवे का एग्जाम दिया होगा, RRB के बहुत सारे, तो उसका जो लेवल रहता है उससे बिलो लेवल रहता है। तो वो सारे टॉपिक्स कवर करके जाइए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, बहुत डीप में नहीं जाना है आपको किसी भी मोटर, जैसे बेसिक्स है मोटर कैसे काम करता है, फंक्शनिंग। अब आप बहुत डीप में जाएंगे तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, स्पेशली इस इंटरव्यू में, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा इंटरव्यू कौन ले रहा है। तो इंटरव्यू मैक्सिमम आई थिंक प्रिंसिपल हुए हैं और कुछ टीचर्स होंगे, तो वो उनकी क्वालिफिकेशन और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछेंगे वो। तो आपको ये समझना है, कोई वहां पे बीटेक वाला कोई नहीं होगा, बहुत होगा कोई TGTWE हो सकता है, तो वो होगा तो वो भी अगर इतना सीनियर होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना डीप में जाके पूछेगा बीटेक की चीज़ें। वो पूछेगा आज के कॉन्टेक्स्ट में आज क्या ज़रूरत है इस पोस्ट के लिए, तो इसका आप ध्यान रखिए। नो द वर्क कल्चर ऑफ KVS, KVS का वर्क कल्चर समझिए कैसे काम करता है, इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होता है, बहुत सारे आप सोचते होंगे मैं यहाँ से सोर्स लगा के वहाँ से सोर्स लगा करवा लूँगा, नहीं करवा पाएंगे आप, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र में हार्ड पोस्टिंग होती है, चॉइस पोस्टिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट पोस्टिंग होती है, अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क कल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे आपको क्लास टीचर बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको क्लासेस मिलेंगी, मिनिमम TGT के लिए 36 पीरियड अ वीक होता है, 36 पीरियड आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, बहुत सारे हाउस में डिवाइड, चार हाउसेज में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, हाउस वाइज एक्टिविटीज़ होती हैं, रीजनल स्पोर्ट्स होता है, एनुअल डे होता है। तो यू नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट फ्यू एक्टिविटीज़ की जो जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे KVS काम करता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। नो द टीचिंग मेथोडोलॉजीज इन KVS, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डेमो टीचिंग। जब आप डेमो दिखाएंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देता है। आपको हर नॉलेजेबल पर्सन अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन बच्चों को वहां पे पढ़ाना है, कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी नॉलेज को बच्चों तक इम्पार्ट कर पाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं ली, यूज़ की। तो टीचिंग एट कॉलेज लेवल एंड टीचिंग एट स्कूल लेवल इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देर इज गैप। आपका लेवल बहुत ऊपर है, छोटे 6th क्लास 7th क्लास के बच्चों का लेवल बहुत नीचे है। आप अपना लेवल कम नहीं करते, बच्चों को उतने ऊपर लेवल में लाने में टाइम चाहिए, या वो उनकी एज के साथ कुछ मेच्योरिटी आएगी तो वो गैप रहता है, उस गैप की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लर्निंग गैप हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में वहाँ पे डेमो देना है। आप कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक ये सब बातें वहाँ करने लगेंगे तो ये हो जाएगा बोरिंग छोटे बच्चों के लिए। आपको बिल्कुल सिंपल से टॉपिक लेने हैं, जैसे आपने ले लिया कि बेटा ये फैन कैसे, फैन देखिए आप, फैन कैसे काम करता है, पहले बच्चों से आप इंटरेक्ट करना है। आपको क्लास में सारे बच्चों को आपको इंगेज करना है। इंगेज कैसे करेंगे आप, जब उसको रिलेट करेंगे टॉपिक को बच्चों के आसपास की जो सराउंडिंग है उससे, तभी आप उनको इंटरेक्ट कर पाएंगे उनसे और प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा, तभी आप बच्चों को कुछ इम्पार्ट कर पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे बोर हो जाएंगे और उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका लेवल इतना ज़्यादा है
ये उनके सब ऊपर से निकल जाएगा। और यही डेमो में वो ऑब्जर्व करेंगे आपको कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप क्लास में बच्चों को इंगेज रख पाएंगे कि नहीं ये ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज दिस हैज बीन हेडेक, बहुत ओवर क्वालिफाइड लोग टीचिंग में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन इफेक्टिव टीचिंग का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ऐसा नहीं। क्वालिफिकेशन ठीक है, अच्छी बात है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो क्वालिफिकेशन स्कूल लेवल की टीचिंग में भी उतनी इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये आपको समझना होगा टीचिंग मेथडोलॉजी। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चों को रियल टाइम जो उनका एक्सपीरियंस उन बच्चों का है जिससे वो खुद को रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये मैंने देखा हुआ है, अच्छा ये ऐसे कैसे होता है। बच्चों से जितना आप बात करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव आपकी क्लास होगी, उतना ज़्यादा बच्चे लर्न करेंगे। अब अगर डेमो क्लास में आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कैसे उसको, किस फ्लो में आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने हैं। अब ऐसे पॉसिबल नहीं है मुझे डेमो टीचिंग करके दिखाना, फिर भी आप कोशिश कर चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं कोरोना टाइम में, तो उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द नो द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग इन स्कूल एंड कॉलेज। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस कि स्कूल की टीचिंग में और कॉलेज की टीचिंग में फर्क होता है। कॉलेज में लेक्चर मेथड है, आपने लेक्चर दिया उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म। अगर बच्चा सुन रहा है, कर रहा है, वो करेगा अच्छा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट दिखना चाहिए। आप किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ सकते कि बच्चे को नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना ही है किसी भी कंडीशन में। बच्चे को आपको इनका नॉलेज इम्पार्ट करना ही करना है, उनके अंदर आपको जो भी टास्क दिया गया है उसको लर्निंग आउटकम को अचीव करना ही करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे नया वर्ड यूज़ किया, लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम ये होता है जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे बच्चा क्या सीखेगा, दैट इज द लर्निंग आउटकम। आपको इंश्योर करना है जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि लर्निंग आउटकम अचीव होगा या नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। अगर नहीं अचीव हो पा रहा बच्चे में तो यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी मेथड। इसके अलावा पढ़ाते टाइम पे टीचिंग एड आप यूज कर सकते हैं। टीचिंग एड होता है जो पढ़ाई के साथ, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं, ऑडियो विजुअल क्लासेस ले सकते हैं, ई क्लासरूम्स ले सकते हैं, वर्चुअल लैब में दिखा सकते हैं। तो देर आर सर्टेन मेथड, सर्टेन वेज जहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक के, अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। तो स्कूल कॉलेज की टीचिंग में डिफरेंस है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। ज़्यादातर मुझे जो समझ में आया अभी तक, ज़्यादातर लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं उनको लगता है पढ़ाना बहुत आसान है, मैं तो पढ़ा लूँगा, मुझे तो ये टॉपिक आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाना आसान हो सकता है बट आपने जो पढ़ाया वो बच्चे को गेन हुआ कि नहीं हुआ, जब वो आप फिगर आउट करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना डिफिकल्ट है। बी जेन्युइन ड्यूरिंग इंटरव्यू, कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आपको बताना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी पॉजिटिव फॉर्म में बताना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से झूठ बोल रहे हैं आप फंस जाएंगे वहाँ, क्योंकि जो वहाँ पे बैठे हैं प्रिंसिपल्स या टीचर्स जो भी बैठे हैं वो हजारों बच्चे देख चुके हैं और हजारों बच्चों के झूठ को दो मिनट में पकड़ लेते हैं। तो वहाँ आप कुछ झूठ पकड़ के बच जाएंगे, बोल के बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ऑनेस्टली आंसर देना है, जेन्युइन लगना चाहिए कि आपको जॉब की नीड है और आप सुटेबल कैंडिडेट हैं वहाँ पे। कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करें, अपने बारे में बताइए कि आई एम दिस, आई बिलोंग टू दिस, आई हैव कम्प्लीटेड माई इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम दिस प्लेस। अगर परसेंटेज वगैरह अच्छे हैं तो वो भी डिस्क्लोज करिए। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, इसको इंक्लूड करिए।
फिर अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में थोड़ा बताइए। आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, ये वो जो भी है, आपने ये जो काम किया उसके बारे में बताइए। ठीक है, कैसे आप, अगर आपका बायोडाटा से कुछ नहीं पूछ रहा है तो आप बायोडाटा वाला पॉइंट कुछ उसमें इंक्लूड करने कर सकते हैं कि जैसे आई शैल बी हेल्पफुल इफ सेलेक्टेड इन दीज एरियाज, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जेन्युइन लगना चाहिए, थोड़ा एकदम से रटा हुआ नहीं लगना चाहिए। फिर है व्हाट वर यू डूइंग टिल नाउ, अभी तक आप क्या कर रहे हो। गैप बहुत सारे लोगों का हो जाता है, तो गैप जस्टिफाई करना है। ठीक है कि सर मैंने ये किया, इसमें इतनी रैंक आई, इतना क्वालिफाई किया, लेकिन जो है ड्यूटी लिमिटेड सीट या जो भी है, हाँ फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ भी, जो भी आपके लिए जस्टिफाइड है। अब इसके तो हजारों आंसर हो सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का यही है कि वो तैयारी कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं बोले सर मैं तैयारी कर रहा था और अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। सर मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी के दौरान मेरे में अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। ठीक है कि मैंने ये क्वालिफाई किया, ये मतलब आप दिखना चाहिए आप प्रोग्रेसिव हैं, ऐसा नहीं कि स्टेगनेंट है। फिर नेक्स्ट है व्हाई डू यू वांट टू कम इन टीचिंग विद सच क्वालिफिकेशन। ये बिल्कुल बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पोस्ट जो है ये डिप्लोमा लेवल लेवल की है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बीटेक एमटेक तो बहुत ओवर क्वालिफाइड हो गया ना। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए, इसमें प्रमोशन भी नहीं होता है, आप लाइफ टाइम उसी पोस्ट पे रहेंगे, आपसे नीचे वाले पोस्ट वाले वो आपसे आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, आपके लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है। आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते उसी पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आप एंटर करेंगे उसी पे रिटायर करेंगे, आपसे पीछे वाले बहुत सारे लोग आगे चले जाएंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वहाँ पे कि इसमें तो कुछ प्रमोशन नहीं, आप क्यों आना चाहते, उसको जस्टिफाई करना फिर आपके ऊपर है। ठीक है कि अब ये तो नहीं बोलते सर कुछ टाइम करके चले जाएंगे, यू नीड टू जस्टिफाई इन प्रॉपर वे। व्हाई डू यू वॉन्ट टू कम इन गवर्नमेंट सेक्टर डिस्पाइट ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन डाला है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं आप करते, आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो अब ये आपके ऊपर है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। मेरे हिसाब से तो एक वन ऑफ द जो रीजन है, ऑनेस्ट रीजन तो यही है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, कोरोना में आपने अभी देखा प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सर मैं एक रेपुटेड सेक्टर में जाना, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ, और KVS इज़ वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो ठीक, आप इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे, बहुत सारे इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे तो कवर करना मुश्किल है। आप जो है कमेंट में क्वेश्चन डालिएगा, अगर कुछ होगा तो फिर मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा। बट आई होप इतने से आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगी अपने बायोडाटा को प्रिपेयर करने में और डेमो क्लासेस में। डेमो क्लासेस में बस इतना ही ध्यान रखिए कि आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी के बच्चों को समझ के पढ़ाइए, आप बीटेक एमटेक को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत डीप में जाने से वो आपके लिए नुकसान होगा। वहाँ पे आइंस्टीन नहीं चाहिए टीचिंग में, वहाँ पे ऐसे लोग चाहिए जो कि बच्चों को प्रॉपरली अटेंड कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उनमें नॉलेज को इम्पार्ट कर सकें। वहाँ पे किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि हर हर बच्चा परफॉर्म कर रहा है। अगर इस तरह से सोच के पढ़ाने के स्टाइल को चेंज करेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग अच्छा करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।